राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही शक्तिशाली मंत्र। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान के साथ श्री हरि की पूजा अर्चना करने से मन चाही इच्छा पूर्ति का वरदान मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के चमत्कारी जो मैं मंत्र बताऊंगी उसको जरूर से करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के सभी दुख दूर कर उन्हें मनचाही इच्छा पूर्ति का वरदान देते हैं। दोस्तों, किसी जातक की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होने पर उसे गुरुवार के व्रत और उपाय करने की सलाह दी जाती है। और यदि मैं जो मंत्र बताती हूँ उस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे, जाप करेंगे, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के आपको सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं। नियमित रूप से ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको मंत्र किस प्रकार से जाप करना है। मैं हमेशा की तरह आपको मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। और हमेशा बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन इस मंत्र का जाप जरूर से करिएगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम विष्णवे हूँ हूँ विष्णवे नमो नमः। दोस्तों, ये भगवान विष्णु जी का मूल मंत्र है। अगर ध्यान लगाकर सच्चे मन से इस मंत्र का जाप किया जाए तो भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है और मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति कर सकते हैं और साथ में माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। ओम विष्णवे ओम हूँ विष्णवे नमो नमः। 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 ओम विष्णवे ओम हूँ विष्णवे नमो नमः।
विष्णवे ओम हूं विष्णवे नमो नमः ओम 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 हूं विष्णवे ओम विष्णवे नमो नमः ओम विष्णवे ओम हूं 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 विष्णवे नमो नमः दोस्तों यह है मंत्र है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसमें से किसी भी क्या मैंने जो ये मंत्र बताया है इस मंत्र का जाप आप नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है।
मंत्र जाप करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां पर पूजा पाठ करें उस जगह अच्छे से साफ सफाई रखें, और शुद्धिकरण का विशेष महत्व होता है इस पूजन में, तो आप साफ सफाई का ध्यान रखें और पीले वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु का पूजन करें और पीले वस्त्र धारण करें, पीले मिठाई का भोग लगाएं और हल्दी डाल करके गुड़ डाल करके भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करें और चने की दाल किशमिश मुनक्का ये जरूर से अर्पित करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें।